सोनिया गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष माननीय सोनिया जी यांच्यावर ईडी की कारवाई सुरू आहे आणि आज जयस्तंभ चौक फळदमळा येथे कांग्रेस पक्षाकडून धरना आंदोलन करण्यात येत आहे। आमच्या सोबत आहे अचलपूर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकांतजी झुळपे, त्यांना विचारू ह्या कारवाई कशाबद्दल आहे आणि कशासाठी आहे। आज आमच्या येत्या माननीय सोनियाजी गांधी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आज यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलवले आहे। ज्या गांधी घराण्याने आपल्या पूर्वजांच्या जीवाची आहुती देशासाठी कुर्बान केली, त्या लोकांना आज ओटीटी जाणून बुजून त्रास देत आहेत, त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो आहोत। जेव्हापर्यंत सोनिया गांधीजींना मुक्तता होत नाही, सुटका करत नाही, जेव्हापर्यंत आम्ही आमचा सत्याग्रह इथे चालू राहील, तर कोणतीही कारवाई जर सोनियाजीवर करण्यात आली तर आम्ही यानंतर जेल भरो आंदोलन करणार आहे। आज आमचे जिल्हाध्यक्ष माननीय बबनराव देशमुख यांच्या निर्देशावरून आज अचलपूर ग्रामीण व अचलपूर शहर परतवाडा शहर तर्फे आज सर्व संबंधित सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आज इथं ऐतिहासिक स्थळ जयस्तंभ चौक इथे सत्याग्रह सुरू झालेला आहे। जेव्हापर्यंत माननीय सोनिया गांधीजींचा सुटका होत नाही तेव्हापर्यंत हा सत्याग्रह चालू राहणार आहे। भाऊ काळे आमच्या सोबत आहे, त्यांना विचारू की ह्या प्रकरण कसं आहे आणि याचे पुढे काँग्रेसची म्हणजे काय रूपरेषा आहे आणि ते काय करणार आहे। सर्वात आधी मी दडपशाही करणाऱ्या मोदी सरकारचा जाहीर निषेध करतो आणि हे जे ईडी चौकशी आहे, सीबीआय चौकशी आहे, त्या चौकशा ज्या चालू आहेत त्या चौकशा सर्व पक्षी असल्या निपक्षपणे जर कारवाई केली तर आम्ही त्याचं स्वागतच करू, पण हे हेतुपुरस्पर जे राष्ट्रवादी आहे, काँग्रेस आहे, शिवसेना आहे, या पक्षावरच हे ईडीची कारवाई होत आहे आणि यामधून जर त्या भाजपमध्ये ते पक्षप्रवेश केला तर त्यांच्यावरची ईडी हे गायब होऊन जाते हा संविधानाला धरून विषय नाही आहे। बराच तुम्हाला तर नियमानं आणि कायद्यानं करा हे कपटी राजकारण आज या रोजींनी या आपल्या देशावर अवलंबिलेलं आहे। त्या मोदी सरकारचा आम्ही आज आमच्या नेत्या सोनिया गांधी यांना आज ईडीच्या चौकशीसाठी बोलावलं। अरे ज्या नेहरू गांधी घराण्यानं सर्व त्यांची संपत्ती त्यांनी जीवाची आहुती दिली अशा या काँग्रेसच्या या सोनिया गांधीवर आज ईडीची चौकशी लावली, त्याचा आम्ही सर्व काँग्रेस पक्षाचे आमचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि सर्व आमचे नेते आज आम्ही इथे धरणं आंदोलन उभारलेलं आहे आणि त्या ईडीच्या चौकशीतून आमच्या या सोनिया गांधीची मुक्तता हवी आणि त्या सुंदर मुक्तता झाली नाही तर आम्ही देशव्यापी आंदोलन जेलभर आंदोलन करू। अल्पसंख्यक काँग्रेस अध्यक्ष अजीज खान उर्फ अजू भाई आमच्यासोबत आहे, त्यांना विचारू की ह्या प्रकरण काय आहे आणि ईडी चौकशीबद्दल त्यांचं काय मत आहे। केंद्रशासित दिल्ली सरकारने हे धोरण बना लिया है कि देश के अंदर से विरोधी पक्ष को खत्म करने की इनकी साजिश चल रही है। जब इनको पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष एक ऐसा पक्ष है जो बीजेपी को हर तरीके से देश के अंदर मार दे सकता है, इनकी बुराई को
इनके गलत कामों को, इनकी गलत नीतियों को दबाने का काम जो हमारी सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी कर रहे हैं, तो इन्होंने आज ये संकल्प ले लिया है कि ईडी के सहारे जितने भी केंद्र शासित उनके पास यंत्र है, ईडी है, आईटी सेल है, तो इन्होंने विरोधियों के ऊपर लाद कर उनको दबाने का, उनकी आवाज़ को दबाने का, उनकी ताकत को कमजोर करने का प्रयत्न किया है। और पूरे देश के अंदर जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, ये हरगिज बीजेपी की इस धमकी भरे आंदोलन, धमकी भरे किरदार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हर तरीके से हम सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, कांग्रेस पक्ष के साथ में गठबंधन करे हुए हैं। और अगर हमें इसका विरोध करने के लिए दुनिया भर, देश भर में अगर जेल भी भरना पड़े तो हम जेल भरने के लिए भी तैयार है। जबकि कांग्रेस पक्ष एक ऐसा पक्ष है जो सर्व समाज, हर पक्ष को टिकट करने वाली पार्टी है, जिसके बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके विरोध में वो हमारे नेता जेलों में डालेंगे। इसके विरोध में हमें आज हमारे अमरावती जिला के नेता आदेश पर आज कांग्रेस पता चुका है वाले एक विशेष आंदोलन का, सत्यग्रह आंदोलन का यहाँ पर धरना दिया है। और इस द्वारा हम उसका निषेध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे नेता सोनिया गांधी मोदी जी के बुलाया है, हम उनके लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सोनिया गांधी उनके खानदान ने इस देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये देश बनाया है। जिस वक्त ये देश नेहरू जी को मिला था ये ऐसा नहीं था, बल्कि इस देश को सोने की दुनिया बनाने में गांधी खानदान ने बहुत बड़ा किरदार निभाया है। आज ये मोदी जी जो देश के ऊपर बैठे हैं, आए थे भूख के नागुबा बन के, ये सरकारी एजेंसियों का, पॉलिसियों का गलत इस्तेमाल कर कर सेकुलर की और लोकतंत्र की आवाज़ दबाना चाहते हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ है, ये लोग देश के एकता के खिलाफ है। इसलिए जो सही आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, ये लोग उसकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। हम ये हमारी की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, जब जब भी सेकुलरिज्म पर आ जाएगी और संविधान पर आ जाएगी, हम इस तरह से धरने या डेपुटेशन करते रहेंगे। मोदी जी हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते और हमको डरा नहीं सकते ईडी से। इसके बाद मैं यही कहूँगा कि मत समझना कि डराने से डर जाएंगे, मत समझना कि डराने से डर जाएंगे और अपनी सारी हदों से गुजर जाएंगे। और मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जब आएंगी तो मर जाएगी। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। सोनिया गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सोनिया गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। जब जब मोदी